नमस्ते, मैं हूँ आलोक और आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। और आज मैं आपको लेकर चलूंगा मुंबई की सैर, रोड ट्रिपिंग बाय बुलेट विद माय पार्टनर। निकले थे अभी मुंबई ट्रैवलिंग पे, लेकिन रास्ते में बारिश हो गई और सारा हम लोग का प्लानिंग थोड़ा भी स्टॉप हो गया। हम लोग रुके हैं चाय पीने के लिए ढाबे पे। हाईवे पे एक ढाबा है, चाय का ही ढाबा है, ज़्यादा बड़ा ढाबा नहीं है। ठंडी ठंडी बारिश में गरम गरम चाय, दिसंबर के मौसम में बारिश, वाओ। चलो बारिश रुक गया। क्या हुआ, बारिश रुक गया? चलते थे। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल नमस्ते भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी आने वाली मुंबई ट्रिप को हमारे साथ एंजॉय कर सकें। गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक सामने है द फेमस ताज होटल, जो इसकी सुंदरता को और निखारता है। अभी हम आ चुके हैं गेटवे ऑफ इंडिया, जिसे भारत का द्वार भी कहा जाता है और मुंबई का ताजमहल बोला जाता है। और दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों के लिए यह आकर्षण का केंद्र है और यहाँ हमेशा काफ़ी भीड़ रहती है। 1911 में दिल्ली में इसका प्रस्ताव रखा गया था बनने का, और जो कि 1920 से स्टार्ट हुआ था और 1924 में बनके कम्प्लीट हुआ था। और इसका ओपनिंग डेट 4 दिसंबर 1924 को जनमानस के लिए खोल दिया गया था, और तब से यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्यटकों की भीड़ रहती है। आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता है गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में? क्या बताओ? वो ये है कि ये अंग्रेजों के लिए ही बनवाया गया था, और जब अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे आज़ादी के बाद, तो वो इसी गेट से गए थे। कितना इंटरेस्टिंग है ना, उनके लिए ही बनवाया गया था और वो इसी गेट से भारत छोड़ के गए थे। अभी मुझे लगता है कि कोरोना की वजह से थोड़ी कम भीड़ है, क्योंकि एक बार और मैं पहले यहाँ पे आई थी तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अभी उतनी भीड़ नहीं दिख रही है जितनी उस टाइम थी। यहाँ पे आप बोट राइड कर समुद्री यात्रा का मजा ले सकते हैं, और गेटवे ऑफ इंडिया से आप बोट से
कई ऐतिहासिक गुफाओं की सैर कर सकते हैं। हमारा भी एलिफेंटा की गुफाएं देखने का प्लान बन गया है। यहाँ का सी व्यू है ही इतना अट्रैक्टिव कि आप खुद को बोट राइड करने से रोक नहीं पाएंगे। तो आइए चलते हैं एलिफेंटा की गुफाओं की ओर समुद्र के रास्ते। तो आगे की यात्रा में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।